स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो रैंकिंग को लेके डिस्कस करेंगे। आप लोगों का कितने टेस्ट अभी हुए? हमने शायद 6 का कर लिया था टेस्ट सेट, 7 टेस्ट सेट, 8 और टेस्ट सेट 9। इन तीनों पेपर्स की जो है हम लोग क्या करेंगे, आज एनालिसिस करेंगे कि रिजल्ट किस तरीके का रहा था। उससे पहले कई स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे ये क्वेरी करते हैं कि मैम किस बेसिस पे जो है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम आता है, क्योंकि आप लोगों के पास जो आता है जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके पास ग्रेड आता है ना। ठीक है, आज मैं आपको बता देती हूँ वो ग्रेडिंग सिस्टम कैसे है। 85.01% से लेकर के 100% तक के बीच वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो ए ग्रेड वाले होते हैं। ठीक है, 85.01 से लेकर के 100% तक के बीच वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ए ग्रेड में आते हैं। देन 75.01 to 85% के बीच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बी ग्रेड में आते हैं। अगेन 65.01% से लेकर के 75% तक के जो बीच के जो बच्चे हैं वो सी ग्रेड में आते हैं। ठीक है, देन 50.01% से लेकर के 65% तक के जो बीच वाले बच्चे होते हैं वो डी ग्रेड में आते हैं। 33.01% से लेकर के 50% तक के बीच के जो स्टूडेंट्स हैं वो ई ग्रेड में आ जाते हैं, और बिलो 33% जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी के सभी एफ ग्रेड यानी कि फेल वाले ग्रेड में आते हैं। ठीक है, 33% के ऊपर जो है हम ये मानते हैं कि आप पास हैं, 33% से नीचे अगर आ रहा है तो आप एफ ग्रेड यानी कि फेल वाली श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम है। 85% के अबव होते हैं तो ए ग्रेड, 85 to 75% के अबव, 85 के नीचे, 75 के ऊपर होते हैं तो बी ग्रेड, 75 के नीचे, 65 के ऊपर सी ग्रेड, देन 50 के ऊपर और 65 के नीचे अगर हैं तो डी ग्रेड, 33 के ऊपर और 50 के नीचे अगर हैं तो ई ग्रेड, और 33 के नीचे अगर आप हैं तो एफ ग्रेड। अब एफ ग्रेड में वो माइनस वाले बच्चे भी आते हैं, है ना। आजकल हालांकि 250-350 के करीब स्टूडेंट जो है वो अभी तक ये तीन सेट्स को जो है वो दे चुके हैं, बट उनमें भी आज भी जो है वो नेगेटिव यानी कि माइनस मार्किंग वाले स्टूडेंट जो है मेरे को देखने को मिलते हैं। चलिए कोई नहीं, अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो टेस्ट हुआ था सेट 7 उसका किस तरीके से क्या एनालिसिस रहा था। अगर मैं टेस्ट 7 की बात करूं, टेस्ट 7 को जो है अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स जो है वो 160 थे, और अगर मैं बात करूं अब 50% मार्क्स 160 बच्चों ने अटेम्प्ट किया, उसमें से 50% के ऊपर का मार्क्स कितने बच्चों को मिला है तो वो है 58 स्टूडेंट्स। ठीक है, इनको जो है वो 50% से ऊपर मार्क्स मिला है। एनालिसिस अगर किया जाए तो काफी अच्छा रिजल्ट मेरे को देखने में लग रहा है। 160 स्टूडेंट्स दे रहे हैं और अगर उसमें से 58 स्टूडेंट जो है वो 50% के अबव आ रहे हैं, दैट मीन्स गुड, आप लोग तैयारी अच्छी कर रहे हैं। रैंकिंग पे चलते हैं। फर्स्ट रैंकिंग है मिस्टर सुभाष चंद्र, 100 नंबर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। राजेश भादु, कमलेश कुमार मीणा सेकेंड रैंक पे हैं 97.34 मार्क्स के साथ। थर्ड रैंक पे सुरेश हैं 84.02 मार्क्स के साथ। रितु जहांगीर फोर्थ रैंक है 80.7 मार्क्स के साथ।
समता दाधीच फिफ्थ रैंक पे हैं 78.72 मार्क्स के साथ। गोकुल चतुर्वेदी सिक्स्थ रैंक पे हैं 78.7 मार्क्स के साथ। 76.72 मार्क्स के साथ सुमन जो है वो सेवेंथ रैंक पे हैं। जितेंद्र कुमावत 76.04 मार्क्स के साथ एट रैंक पे हैं। कमलेश नायक 75.38 मार्क्स के साथ नाइन्थ रैंक पे हैं। मदन चौधरी 71.4 मार्क्स के साथ जो है वो टेंथ रैंक पे हैं। ये हमारे टॉप 10 स्कोरर हैं टेस्ट सेट नंबर 7 के। अगेन थोड़ा सा और आगे 25 तक की लिस्ट को हम ले लेते हैं एक बार। अशोक जी हैं 71.38 मार्क्स के साथ 11th रैंक। एकता 70.74 और मुकेश सैनी 70.74 के साथ 12th रैंक पे हैं दोनों लोग। 13th रैंक 13वीं रैंक जो है वो जयप्रकाश की है 70.06 मार्क्स के साथ। 69.4 मार्क्स के साथ दो लोग 14th रैंक पे हैं, सुमेर चौधरी और योगेश पाटीदार। 15th रैंक पे विक्रम सिंह 67.4% मार्क्स। दिव्यांशु जैन 65.4 मार्क्स 17th रैंक पे। अक्षय 64.7 मार्क्स 18th रैंक पे। सोमराज 64.08 मार्क्स 19th रैंक पे। दाऊद 64.02 मार्क्स 20th रैंक पे। दाऊद जी अपना नाम प्लीज अब चेंज कीजिए वहां पे, ठीक है। शकुंतला 63.42 मार्क्स 22 रैंक दो लोग हैं अपने पास, नागेंद्र सिंह और सतवीर 63.38 मार्क्स के साथ। पवन स्वामी 23rd रैंक पे हैं 63.36 मार्क्स के साथ। राम रतन 62.74 मार्क्स के साथ 24th रैंक पे हैं। देन भगत राम सरन 25th रैंक पे हैं 62.72 मार्क्स के साथ, ठीक है। ये हमारे जो है वो टॉप 25 स्टूडेंट्स हैं जो 50 नंबर के ऊपर पाए हैं और टॉप 25 मतलब 160 में से जो है वो स्टार्टिंग के एक से लेके 25वें तक के रैंक में आते हैं। हम आते हैं टेस्ट नंबर 8 के एनालिसिस के ऊपर। इसको अगर मैं देखूं अटेम्प्ट लेने वाले स्टूडेंट्स जो है वो 153 हैं, और मैं अगर देखूं अबव 50% मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं तो वो हैं मात्र 40 स्टूडेंट्स। क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? ग्राफ जो है लोगों का ऊपर जाता है और आपका ग्राफ जो है अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स भी कम हो रहे हो, नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स भी कम हो रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, हाँ गर्मी ज्यादा बढ़ गई है इसलिए। चलो रैंकिंग की बात करते हैं। फर्स्ट रैंक पे दो स्टूडेंट्स हैं, कैलाश सेरा और मुकेश कुमार सैनी फर्स्ट रैंक। राजेश भादू सुरेश सेकंड रैंक है 92.68 मार्क्स के साथ, फर्स्ट रैंक वाले 100 मार्क्स के साथ थे। कमलेश नायक थर्ड रैंक है 87.36 मार्क्स के साथ। राजू राम 85.36 मार्क्स के साथ फोर्थ रैंक पे हैं। सवाई राम 78.72 मार्क्स के साथ फिफ्थ रैंक पे हैं। कमलेश कुमार मीणा 76.06 मार्क्स के साथ सिक्स्थ रैंक पे। शकुंतला 74.04 मार्क्स के साथ सेवेंथ रैंक पे। नरेंद्र पालीवाल 71.4 मार्क्स के साथ एट रैंक पे। लोकेश पाटीदार 70.72 मार्क्स के साथ नाइन्थ रैंक पे। सुमन 70.06 मार्क्स के साथ 10th रैंक पे। ये हमारे टॉप 10 थे। आगे हम 15 स्टूडेंट्स को और ले लेते हैं, नॉट 15 स्टूडेंट्स 15th रैंक को और ले लेते हैं। नरेंद्र सिंह 70.04 मार्क्स के साथ और रितु जहांगीर 70.0 मार्क्स के साथ 11th रैंक पे हैं दोनों। रामनिवास गोस्वामी 68.08 मार्क्स के साथ 12th रैंक पे। पवन स्वामी 66.68 मार्क्स के साथ 13th रैंक पे। सोमराज 66.08 मार्क्स के साथ 14th रैंक पे। मदन चौधरी 65.42 मार्क्स के साथ 15th रैंक पे। दिव्यांशु जैन 64.08 मार्क्स के साथ 16th रैंक पे। राहुल मेघवाल 64.06 मार्क्स के साथ 17th रैंक पे। भैरू सिंह 64.02 मार्क्स के साथ 18th रैंक पे।
एकता अग्रवाल 62.76 मार्क्स और विक्रम सिंह 62.76 मार्क्स के साथ दोनों ही 19th रैंक पे हैं। मुकेश दुखिया 62.7274 मार्क्स के साथ 20th रैंक पे हैं। मुकेश जी, मुझे जहाँ तक ध्यान है, शायद एक से लेके तीन सेट तक हमने कराया था, तो आप जो है वो टॉप 10 के स्कोरर रहे हुए हैं, तो आपका ग्राफ कुछ पसंद नहीं आया भाई। टॉप 10 से टॉप 20 में कैसे बढ़ रहे हो आप? टॉप 10 से टॉप 3 में हम आपको देखना चाहते हैं ना, टॉप 20 में आप आ रहे हो। जितेंद्र कुमावत 60.72 मार्क्स के साथ 21 रैंक। समता दाधी 60.01 मार्क्स के साथ 22nd रैंक। सरिता ठोलिया 60.08 मार्क्स के साथ 23rd रैंक। जयप्रकाश 59.4 मार्क्स के साथ 24th रैंक। और दिनेश विश्नोई हैं 58.76 मार्क्स के साथ 25th रैंक। तो ये हमारे जो है वो टेस्ट सेट 8 का एनालिसिस है। टेस्ट सेट 9 का एनालिसिस देखें अगर हम लोग, तो अटेम्प्ट करने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो 182 स्टूडेंट्स थे। और अगर मैं ये देखूं कि अब 50% मार्क्स जो है कितने स्टूडेंट्स के इसमें आए, तो दैट इज 62 स्टूडेंट्स। ओके, 62 बच्चों के जो है वो 50 के ऊपर मार्क्स हैं और 182 बच्चों ने ये पेपर सेट को अटेम्प्ट किया है। टॉप स्कोरर देखते हैं, राजेश भादू 94.68 मार्क्स, अभी तक का टेस्ट सेट 9 जो है वो पहला पेपर है जिसमें टॉप स्कोरर के जो है वो 100 मार्क्स नहीं आए हैं। अदरवाइज हर पेपर में जो है जिन्हें जितने भी टॉप स्कोरर है, फर्स्ट रैंकर है, फर्स्ट रैंक होल्डर्स हैं, वो सभी 100 नंबर्स के साथ थे। बट टेस्ट सेट 9 जो है वो इसमें जो हमारे टॉप रैंकर हैं मिस्टर राजेश भादू जी, उनके 94.68 मार्क्स आए हैं। क्यों भाई, पेपर टफ था क्या? पेपर तो बहुत इजी था। इनफैक्ट अगर मैं ध्यान दूं तो पेपर में जो है वो मिला करके कंप्यूटर और शायद लाइब्रेरी दोनों का हमने दिया था, तो पेपर को तो बहुत अच्छा करना चाहिए था। जिन पेपर्स को हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे, सारे मार्क्स ला पाएंगे, उसमें तो 100 में 100 लाए। और जिनमें एक्सपेक्टेशन है कि ये बहुत अच्छा पेपर है, कोई भी इसको कर सकता है, आराम से इजी मोड में दिया गया है, उसमें आप 100 नंबर नहीं ला रहे हैं। बहरहाल कॉन्ग्रेचुलेशंस राजेश। सुरेश 93.34 मार्क्स के साथ सेकेंड रैंक। एकता अग्रवाल 92.02 मार्क्स के साथ थर्ड रैंक। कॉन्ग्रेचुलेशंस एकता, आपका ग्राफ काफ़ी अच्छा देख रही हूँ मैं, क्योंकि अभी आप टॉप 20 के अंदर दिख रहे थे मेरे को कई सेशंस में, बट नाउ यू आर इन टॉप 3। ओके, सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको। रश्मि 84.04 मार्क्स के साथ फोर्थ रैंक पे, एक नया नाम टॉप 10 में। सतनाम सिंह 80.04 फिफ्थ रैंक पे। गोपाल डोगीवाल 78.72 मार्क्स के साथ सिक्स रैंक पे। अक्षय 74.68 के साथ सेवेंथ रैंक पे। कमलेश नायक 70.06 मार्क्स के साथ एक रैंक पे। रामनिवास गोस्वामी 73.4 मार्क्स के साथ नाइन्थ रैंक पे। और सोमराज हैं 73.3 मार्क्स के साथ 10th रैंक पे। ठीक है, ये आपके जो है वो टॉप 10 स्कोरर्स हैं। आइए हम आगे के 15 स्कोरर्स और देखते हैं। पवन स्वामी 72.7 मार्क्स के साथ जो है वो 11वीं रैंक पे। मदन चौधरी 70.74 मार्क्स के साथ 12वें रैंक पे। क्षमता दाधीच 70.74 मार्क्स के साथ 13वें रैंक पे। रितु जांगीर 68.72 मार्क्स के साथ 14वें रैंक पे। मधुमिता 68.06 मार्क्स के साथ 15वें रैंक पे। सतवीर 67.38 मार्क्स के साथ 16वें रैंक पे। मनीष कटेजा 67.36 मार्क्स के साथ 17th रैंक पे। सोहन सिंह 66.7 मार्क्स के साथ 18th रैंक पे। सुमन 65.42 मार्क्स के साथ 19th रैंक पे। स्वरूप सुथार 65.4 मार्क्स के साथ 20th रैंक पे। शकुंतला 64.72 के साथ 21 रैंक पे। जितेंद्र कुमावत 63.38 नंबरों के साथ 22वीं रैंक पे। 23वीं रैंक में 5 स्टूडेंट हमारे साथ हैं जिनके नंबर 62.76 हैं। वो स्टूडेंट्स हैं हिमांशी, कविता,
राजेश कुमार गुप्ता, मोहित कुमार और प्रवीण। 24वीं रैंक पे विक्रम सिंह हैं 62.08 मार्क्स के साथ और 25वीं रैंक पे जय प्रकाश हैं 62.06 मार्क्स के साथ। तो ये जो है वो टॉप 25 की लिस्ट है जो टेस्ट सेट नंबर 9 के जो है वो टॉप 20 स्कोरर रहे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इस टेस्ट सेट को अगर मैं 3 का भी एनालिसिस करूं तो इतना बुरा नहीं है। टेस्ट आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्मेंस वाइज इट्स गुड। अगर मैं ये आप लोग के सामने रख रही हूँ, आप खुद अगर ये चीज़ें देखेंगे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भी अच्छी लगेंगी कि अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स एंड टॉप 50 मतलब 50 मार्क्स के अबव लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, थर्ड टेस्ट में अगर मैं ये देखूँ, अगर कैलकुलेट करूँ तो 1/3 स्टूडेंट्स हैं। तो अच्छा जा रहा है, इसका मतलब टेस्ट हम अच्छा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और आप भी इसको ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं। अगर ओवरऑल टेस्ट के ग्राफ को देखें तो थोड़ा सा वेवी है ना, तरंग युक्त बना रखा है आप लोगों ने। टेस्ट पेपर जो है आपका ये जा रहा है ना, थोड़ा सा वेवी हो गया। यहाँ पे जो है थोड़ा सा अच्छा किया आपने, यहाँ पे थोड़ा डाउनफॉल आया, देन फिर थोड़ा अच्छा ये वाला हो रहा है। अब आगे का आई डोंट नो कैसा आप करेंगे, बट एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जो टेस्ट सेट 10 होपफुली आपका जो वेंसडे को होने वाला है, बुधवार को होने वाला है, बुधवार को ये पेपर हो जाएगा। बृहस्पतिवार को जो है 10 बजे तक का इसका टाइमिंग है होने का। ये जब खत्म हो जाएगा तो एक वीडियो मैं वापस से पुनः बनाऊंगी और आपके सामने वो प्रस्तुत करूंगी। उस वीडियो को आप सभी लोग देखिएगा, उसमें जो है एक एक स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं टॉप सॉरी टेस्ट 10 का जो है वो पूरी जो लिस्ट होगी मेरे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टिल 268 स्टूडेंट अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज में जुड़ चुके हैं। हो सकता है आज भी कुछ जुड़े, हो सकता है कल भी कुछ जुड़े। तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल जो है मैं ग्राफ एनालिसिस यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से उनकी परफॉर्मेंस क्या है टेस्ट सेट 6 से लेकर के 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10th और आ जाएगा, उसमें उनका ग्राफ किस तरीके का है, कितने परसेंट उन्होंने किया, क्या रेशियो रहा, सक्सेस पॉइंट क्या रहा, एवरेज टाइम उन्होंने क्या लिया, ये सब कुछ हम लोग जो है उस वीडियो में एक एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। तो आप लोग उससे मत चूकिएगा, वो आप लोग जरूर जरूर देखिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा। दूसरी बात यह है, अभी 4-5 दिनों से जो है वो काफी हॉचपॉच हो रहा है आप लोगों को, मैं देख रही हूँ थोड़ा परेशान हो जाते हो, छोटी छोटी चीजें, थोड़ा थोड़ा कुछ भी, मतलब कोई भी हल्का सा आपको डिस्टर्ब करना चाहे तो आपको वो इतना बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 30 जून को पेपर है, कुछ बोल रहे हैं 6 जुलाई को पेपर है, कुछ बोल रहे हैं 7 जुलाई को पेपर है, कुछ बोल रहे हैं 14 जुलाई को पेपर है। मैं ये कह रही हूँ 30 जून, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 14 जुलाई, ये जो व्हाट्सएप पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये कहाँ पे आ रहे हैं? ये सब व्हाट्सएप पे ही तो आ रहे हैं, आप लोगों के पास आते हैं और आप लोग हमें फोन पे पकाना चालू कर देते हो। आप लोगों के पास जो है, अच्छा उसमें भी व्हाट्सएप पे आ रहा है, आपको भी पता है कि वो ऑथेंटिक नहीं है, आप खुद कंफ्यूज है कि वो हो है कि नहीं है, और फिर उसके बाद जो है आप लोग इधर उधर करना चालू कर देते हो, अरे मेरा तो ये नहीं हुआ, अरे मेरा वो नहीं, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, कोई भी मुझे बताएगा कौन सी वाली वेबसाइट पे ये लिखा हुआ आया है, किस न्यूज़पेपर में इनमें से कोई डेट आई है? अभी आज तक किसी न्यूज़पेपर में आई है? ऑनलाइन किसी न्यूज चैनल के किसी पोर्टल पे ये आया है इनमें से कोई भी डेट A to Z, ये कोई भी आया है अभी तक? आया है? नहीं आया? देन बार बार समझाती रहती हूँ, दिखाओ पे न जाओ, अपनी अक्ल लगाओ, बार 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 अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन आप लोगों को समझाना पड़ता है। किसी के कहे पे आप क्यों जाते हैं? आप पढ़े लिखे हैं, आप जैसे व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करते हैं ना, आप 2 सेकंड का समय निकाल करके अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड उसकी साइट विजिट कर लो ना, अगर आना होगा तो उस पर ही आ जाएगा।
उसके बाद आपको जो टेंशन लेनी होगी ले लेना एग्जाम के लिए, बट जब तक नहीं कहीं पे आया हुआ, क्यों आप किसी के कहे में जाते हैं, क्यों आप मेरे कहे पे भी जाएंगे, क्यों आप किसी और कोचिंग वाले के कहे पे जाएंगे, क्यों आप किसी और फ्रेंड के कहे पे जाएंगे, किसी टीचर के कहने पे जाएंगे? आपको किसी के कहने पे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने खुद का दिमाग लगाइए, अपनी प्रिपरेशन को खुद से स्टेबल बनाइए, आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है ये सब सुनने के लिए। पढ़ाई के लिए बात करो, क्वेश्चन नहीं तैयार है बात करो, इसका आंसर क्या होगा ये बात करो, ऑप्शंस क्या होगा ये बात करो। अब ये सब बोल बोल कर अगर हमें पकाना चालू कर दोगे तो हम फिर क्या करेंगे बताओ? हम तो आपको बार 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 एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं, आपको सेल्फ मोटिवेटेड बनाना चाहते हैं, बट आप फिर ऐसे ऐसे करने लगते हो तो हमें लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, मतलब बच्चों को कितना भी सिखाओ बच्चे सीखते ही नहीं है। आपकी प्रिपरेशन जो है आप खुद से मजबूत कीजिए, इन सब चीजों में मत जाइए। हो सकता है इनमें से कुछ डेट अभी फेक चल रही हो, इनमें से हो सकता है कुछ जो है वो फिक्स भी हो सकती हैं, लेकिन हम तब तक इसको सही नहीं मानेंगे जब तक ये जो है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पे इनमें से कुछ नहीं आ जाता है, तब तक इसको सही नहीं मानना है। चाहे मैं बोलूं चाहे कोई भी बोले, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको अपनी तैयारी खुद करनी है और अच्छे से करनी है, ठीक है? अच्छे से तैयारी कीजिए, नेक्स्ट परफॉर्मेंस बेहतरीन कीजिए, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, हमेशा बनी रहेंगी, शुभचिंतक हूँ आप लोगों की, कोशिश करती हूँ कि बस कुछ कुछ आप लोगों की हेल्प करती रहूँ जिससे आप एग्जाम को अच्छे से निकाल सकें। कुछ स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करते रहते हैं, मुझे मैसेजेस करते रहते हैं कि उनको कुछ मटेरियल को लेकर के प्रॉब्लम है, उनके पास कोई मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए, उनके पास कोई नोट्स नहीं है पढ़ने के लिए, उनके पास कोई बुक नहीं है पढ़ने के लिए। तो ऑनलाइन क्लासेस का मैंने बहुत कोशिश किया बट मेरे पास अरेंज नहीं हो पा रहा है, और मैं इसको छुपाने की भी कोशिश नहीं करना चाहती हूँ आपसे, और ना ही मैं आपको कोई हौसला ढांढस बनाने की कोशिश कर सकती हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस अरेंज नहीं हो पा रही हैं, बट एक चीज़ है, मैंने अभी जो है वो कंप्यूटर के नोट्स अरेंज कर लिए हैं। तो जिन बच्चों को कंप्यूटर के पार्ट के नोट्स चाहिए हैंड रिटन एंड प्रिंटेड, आप लोग जो है मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज डाल दीजिएगा, जिनको भी चाहिए मैं उनको जो है वो नोट्स जो है वो अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है? इतना तो मैं कर सकती हूँ, मैं धीरे धीरे जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मेरे पास कंप्यूटर के नोट्स अरेंज हैं, मैं कंप्यूटर का एक बार आपको दे सकती हूँ, आप उसको पढ़िए देखिए जितना समझ में आता है, ना होने से कुछ होना जो है वो बेटर है, आपके बोलते हैं ना कि वो लक्ष्य की तरफ जो है वो बढ़ने का एक जो है वो मार्ग प्रशस्त करता है। तो ठीक है, कहीं पे आप खड़े थे, खड़े होने से पैरों में दर्द होने लगता है, लेकिन एक स्टेप ही आपने उठाया तो थोड़ा सा तो पैर का दर्द खत्म होगा, और कहीं ना कहीं स्टेप उठाएंगे तो कहीं ना कहीं किसी और तरफ निकलेंगे ही, रास्ता भी आपके लिए बनेगा, मंजिल भी आपकी दिखने लगेगी। तो आप आराम से पढ़िए, पढ़ते रहिए, टेस्ट सेल्फ एनालिसिस बिल्कुल अच्छा कीजिए, कर रहे हैं आप लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। इनफैक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इंस्टीट्यूट में कि बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, संख्या देख लीजिए कितने बच्चों की है, 1300 बच्चे थे जिनमें फेक स्टूडेंट्स ज़्यादा थे मुझे जहाँ तक लगता है, आज की डेट में 160 बच्चे जो है केवल उसी पेपर को कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑनेस्ट बच्चे हैं, ठीक है? आईडी और फोटो मैंने मंगवा लिया, तो आईडी और फोटो का हमें क्या करना था, लेकिन मुझे जेन्युइनली देखना था ये, और जेन्युइनली जो है वो दिख गया कि कौन जेन्युइन है और कितने फेक थे, तो ये चीजें दिख गई। अब आप जितने भी बच्चों के साथ पेपर कर रहे हैं वो बच्चे आपके साथ ही तैयारी करने वाले एवरेज स्टूडेंट हैं, ना कोई बहुत ज्यादा बहुत बेहतरीन जो है वो करके बैठा हुआ है, और ना ही कोई डंप है। मैंने हर पेपर में फ्लक्चुएशन देखा है, कोई फर्स्ट रैंक है तो वो अगले वाले में 12वीं 20वीं भी आया हुआ है, किसी किसी को मैंने माइनस में देखा है, उसको सडनली मैंने टॉप 20 में भी अगले पेपर में देख लिया है। तो ये चीजें चलती रहेंगी, और ऑनेस्टी के साथ पेपर कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को खुद एवेल्युएट कीजिए, किसी के कहने सुनने में आप मत जाइए, आप समझदार हैं, आप अपनी तैयारी को खुद से सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि तैयारी जो है वो आप स्वयं कर सकते हैं, दूसरे केवल आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो गाइडेंस ही लीजिए, कोई मिस गाइड कर रहा हो तो मिस गाइड मत होइए, ठीक है? मिस गाइड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं।